ये आकाशवाणी है स्वाधीनता की अमर गाथा। प्रस्तुत है देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। मंगल पांडे का बलिदान अन्य भारतीय सिपाहियों के लिए प्रेरणा देने वाला बना। मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी आहुति देने के लिए मंगल पांडे उनका आदर्श बन गया था। हर छावनी में मंगल पांडे की चर्चा होने लगी। चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स लिखते हैं, अंग्रेज लोग सन 57 के विद्रोह में शामिल सभी सिपाहियों को पांडे नाम से पुकारने लगे थे। बैरकपुर की घटना से अंग्रेज न सिर्फ सावधान ही हुए बल्कि उन्होंने तय किया कि कुछ ऐसा करो जिससे ऐसी घटना किसी और छावनी में ना हो। वो गुलाम भारतीयों को इस अनुशासनहीनता का दंड देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग बंद नहीं किया। बंगाल के बाद उन कारतूसों का प्रयोग मेरठ छावनी में करने की योजना बनी। परमेश्वर भाई, हाँ कुछ सुना? हाँ सुना तो है, पर जगतराम भाई ये चर्बी वाले कारतूसों का चक्कर है क्या? नए कारतूसों पर कागज का एक खोल चढ़ा हुआ होता है। हाँ। और कारतूस चलाने से पहले उस कागज को दांत से काटना पड़ता है, तब कारतूस बाहर निकलता है। अच्छा। हाँ कहते हैं कि इस कागज में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती है। राम 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 राम। हाँ बस इसीलिए ना हिंदू ना मुसलमान कोई सिपाही इस कारतूस को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तब तो भैया मंगल पांडे ने जो किया ठीक किया। ठीक किया? अरे उसने तो हम सबको राह दिखाई है आजादी के लिए। अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए बलिदान भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब ये कि हमारी छावनी के जवानों को भी अब तैयार रहना चाहिए। बात तो लोगों में फैल चुकी है और सिपाही भी तैयार हैं कि चाहे जान क्यों ना चली जाए पर चर्बी वाले कारतूस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ भैया बिल्कुल ठीक। मई सन 1857 मेरठ में 90 हिंदुस्तानी घुड़सवारों की एक कंपनी को नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। उनसे कहा गया कि वे इन कारतूसों को दांत से काटकर इस्तेमाल करें, लेकिन 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज अफसरों की एक बैठक में यह तय किया गया कि आज्ञा न मानने के जुर्म में सभी 85 सिपाहियों को कड़ी सजा दी जाए, जिससे दूसरे सिपाहियों को सबक मिले, वरना ये लोग हमारे चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। बैठक में सजा भी तय हो गई। 9 मई 1857 सवेरे के समय उन 85 सिपाहियों को परेड मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। उनके सामने गोरी फौज का तोपखाना खड़ा था।
छावनी के बाकी सिपाहियों को भी ये दृश्य दिखाने के लिए परेड मैदान में बुलाया गया। ठीक समय पर जनरल हंटर घोड़े पर सवार होकर आया। आप लोगों को मैं बताना चाहता है कि ये जो पिशाची सिपाही खड़े हैं, इन्होंने हमारा हुक्म मानने से मना किया है। फौज में अपना अफसर का हुक्म ना मानना बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी सजा मौत है। लेकिन कंपनी ने इन पर रहम किया है, इनको 10 साल का कैद बामशक्कत की सजा दी गई है। यहां परेड मैदान में हमारे सिपाही इनके वर्दे उतारेंगे, इनके पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगे और हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। जो सिपाही ऐसा ना करने देगा, उसको सामने खड़ी तोप से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। सब हिंदुस्तानी सिपाही देखें और समझे कि अंग्रेज अफसर का हुक्म ना मानने का क्या अंजाम होता है। वो ये भी नसीहत लें कि कंपनी के खिलाफ बगावत करने की गलती ना करें, वरना उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। कार्रवाई शुरू की जाए। जगत राम, देख रहे हो कैसा चुलुम कर रहे हैं फिरंगी। हाँ भाई, हमने तो लोगों से बगावत के लिए कहा था, पर लोग बोले जो होता है होने दो। 3 हफ्ते की बात है, एक बार क्रांति हुई तो हम इनको आजाद करा लेंगे। कितनी बेइज्जती हो रही है हमारे भाइयों की, उन्हें किस तरह जलील किया जा रहा है और हम बेबस होकर देख रहे हैं। किसी में मंगल पांडे जैसा खून नहीं है। परमेश्वर भाई, खून भी है, जज्बा भी है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ अकेले विद्रोह करने से कुछ नहीं होगा। हमारी एकजुट ताकत ही उनसे टक्कर ले सकती है, उसी के लिए हमें 31 मई का इंतजार है। अरे फाड़ में गई तुम्हारी 31 मई। यहाँ हमारी आंखों के सामने हमारे ही सिपाहियों को, साथियों को कैदी बनाया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है और हम खामोश देख रहे हैं। जी चाहता है मैं भी मंगल पांडे की तरह। पागल ना बनो परमेश्वर सिंह, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। हमारी छोटी सी गलती से क्रांति की पूरी योजना ढह जाएगी। शांत हो जाओ। तुम क्या समझते हो ये सब देखकर हमें अच्छा लग रहा है? अरे हमें भी गुस्सा आ रहा है, पर ये वक्त अक्ल से काम लेने का है। पचासी कैदियों को हथकड़ी और बेड़ियां डालकर मेरठ जेल भेज दिया गया। हिंदुस्तानी सिपाही इस घटना को देखकर भीतर ही भीतर दुख और क्रोध से बेताब हो गए थे, लेकिन वे क्रांति नेताओं के आदेश से बंधे हुए थे, इसलिए चुपचाप अपना गुस्सा पीकर बैरकों में वापस आ गए। उसी दिन शाम को मेरठ के बाजार में कुछ सिपाही घूम रहे थे। अरे ये देखो, अपने को सिपाही कहते हैं, बहादुर सिपाही। अरे ये तो चूहे हैं, चूहे अंग्रेजों के सामने दुपक कर रह जाते हैं। और का, अगर इनमें दम होती तो का मजाल थी कि आज सवेरे परेड मैदान में जो हुआ सो होता। अरे छी छी, अरे इन्हें तो मुझे उड़वा लेनी चाहिए, शर्म नहीं आती है? अरे भाई तो जेल खाने में है,
मेरठ की महिलाओं के ये शब्द मेरठ छावनी के सिपाहियों के दिलों में चुभ गए। रात को बैरकों में गुप्त सभाएं हुईं। चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए अब 31 मई तक रुकना मुश्किल है। अरे जलालत की 100 साल की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मरना। अरे हम किस मुंह को लेकर रुकेंगे? आज शाम को मेरठ शहर की औरतों ने हमारे लिए चूड़ियां भेजी हैं। अब या तो हम वो चूड़ियां पहनकर बैठें, वरना कल सवेरे विद्रोह का बिगुल फूंक दे। नहीं, हम अब खामोश होकर नहीं बैठ सकते। छावनी के सारे सिपाही विद्रोह के लिए तैयार हैं। तो चलो विद्रोह की तैयारी करो। हमारे नायक होंगे सूबेदार हुकम सिंह, सूबेदार धनराज और सूबेदार मोहम्मद बख्श। वो लोग भी बैरकों के सिपाहियों को विद्रोह के लिए तैयार कर रहे हैं। चलो उनसे मिलकर आगे की योजना तैयार करते हैं। आओ आओ भाई, चलो चलो चलो। भाइयों, कल सवेरा होते ही छावनी का हर सिपाही अपने हथियार, गोलियां और बारूद लेकर निकल पड़ेंगे। बैरकों से निकलने का सही समय होगा गिरजाघर की घंटी। कल इतवार है, सवेरे सारे अंग्रेज गिरजाघर में जाएंगे, इधर हम बैरकों से निकलेंगे। हम सब तैयार हैं। सूबेदार हुकुम सिंह जिंदाबाद, सूबेदार धनराज जिंदाबाद, सूबेदार मोहम्मद बख्श जिंदाबाद, सूबेदार मोहम्मद बख्श जिंदाबाद, सूबेदार धनराज जिंदाबाद, सूबेदार हुकुम सिंह जिंदाबाद। आपके जोश को देखकर मैं जानता हूं कि हमारी विजय अवश्य होगी। हमने अपने कुछ खास लोग दिल्ली रवाना कर दिए हैं। बादशाह को खबर भेज दी है कि परसों हम दिल्ली आ रहे हैं। हमारे बहुत से लोग शहर में पहुंच गए हैं। वो जनता के उन लोगों को तैयार करने गए हैं जो इस विद्रोह में हमारा साथ देना चाहते हैं। हम सब तैयार हैं। तैयार है, बस अब सिर्फ सवेरा होने की देर है। हम सब तैयार है। मेरठ में रातों रात क्रांति की जो तैयारी हुई उसकी अंग्रेज कभी कल्पना तक न कर सकते थे। मेरठ शहर और आसपास के गांवों के हजारों हथियारबंद लोग सवेरा होते होते विद्रोहियों का साथ देने के लिए जमा हो गए थे। स्वयं विद्रोही सिपाहियों को इसकी कल्पना न थी कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए उन्हें इतना जबरदस्त समर्थन मिलेगा। दस मई 1857, उस दिन रविवार था। सवेरे छावनी के सारे अंग्रेज गिरजाघर गए। उधर गिरजाघर के घंटे बजे और विद्रोही सिपाही बैरकों से निकल पड़े। हर हर महादेव, 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 हर तकबीर, हर तकबीर, हर तकबीर, कैदी साथियों को आजाद करवाओ। मेरठ के क्रांतिकारी जब जेलखाने पहुंचे तो वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जेलर और सिपाही क्रांतिकारियों के साथ थे, इसलिए आनन फानन उन सिपाही कैदियों की बेड़ियां काट दी गईं जिन्हें एक रोज पहले बंदी बनाया गया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर तकबीर, अल्लाहु अकबर, हर तकबीर, अल्लाहु अकबर।
उधर अंग्रेजों के घर जलाए जाने लगे। जहां जो अंग्रेज मिला उसे मार दिया गया। बंगलों दफ्तरों में आग लगा दी गई। फिरंगियों को मारो। हिंदू मुसलमान पैदल सवार और तोपखाने के तमाम सिपाही मेरठ छावनी को कब्रिस्तान में बदल रहे थे। तार घर के तार काट दिए। रेलवे लाइन पर क्रांतिकारियों का पहरा हो गया। तमाम अंग्रेज औरतें और बच्चे बंगलों के अंदर जलकर मर गए। जो अंग्रेज बचे उनमें से कई अस्पतालों में और कई नालियों में जाकर छिप गए थे। कुछ ने अपने हिंदुस्तानी नौकरों के घर में पनाह ली थी। शाम होते होते मेरठ से अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। मेरठ पर अधिकार होने के बाद सैनिकों ने उद्घोष किया, दिल्ली चलो! मेरठ के 2000 सशस्त्र हिंदुस्तानी सवार 11 मई 1857 की सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच गए। वे नारे लगाते हुए जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजों को क्रांति की कोई खबर न थी। अंग्रेजी राज का नाश हो! नाश हो! बहादुर शाह जफर! दिल्ली में जब क्रांतिकारियों के आने की खबर फैली तो कंपनी की फौज के अंग्रेज अफसर कर्नल रिप्ले ने 54 नंबर की देशी पलटन को इकट्ठा किया और मेरठ के क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन क्रांतिकारियों का और देशी पलटन के सिपाहियों का आमना सामना होते ही दोनों तरफ के सिपाही नारे बुलंद कर उठे। दोनों ओर के सैनिक गले मिले और विद्रोह की आग भड़काने के लिए हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। कर्नल रिप्ले वहां से भागने लगा लेकिन क्रांतिकारियों ने उसे मार दिया और इस तरह शुरू हुई दिल्ली में क्रांति। हर हर! दिल्ली और मेरठ की सेनाओं ने मिलकर कश्मीरी गेट से दिल्ली में प्रवेश किया। दरियागंज के तमाम अंग्रेजी बंगले जला दिए गए। दिल्ली में चारों तरफ क्रांतिकारी सेना ने अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया। दोपहर तक मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली आ गया। लाल किले पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया और अंग्रेज हुकूमत को पूरी दिल्ली से उखाड़ फेंका। हर हर महादेव! एक तरफ क्रांतिकारी सेना दिल्ली से अंग्रेजों का सफाया कर रही थी तो दूसरी तरफ
दिल्ली के हजारों नगर निवासी क्रांतिकारियों से मिलकर उनकी मदद करने लगे। हिंदू मुसलमान सभी ने क्रांतिकारियों के लिए भोजन और पानी भरपूर पहुंचाकर उनकी पूरी मदद की। क्रांतिकारियों ने दिल्ली के अंग्रेजी बैंक पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की इमारतों को ढहा दिया गया। दिल्ली में उस समय कोई गोरी पलटन न थी, सिर्फ गोला बारूद का एक बड़ा मैगजीन था जिसकी रखवाली अंग्रेज कर्नल विलोबी कर रहा था। क्रांतिकारियों ने उसे संदेश भेजा कि मैगजीन हमारे हवाले कर दो, लेकिन कर्नल विलोबी ने मना कर दिया। तब क्रांतिकारियों ने मैगजीन पर हमला कर दिया। कर्नल विलोबी ने अपने 9 अंग्रेज सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला किया, लेकिन जब वो हारने लगा तो उसने गोला बारूद के उस खजाने में आग लगा दी। तब 1000 तोपों के एक साथ छूटने का धमाका हुआ। सारे अंग्रेज सिपाही मारे गए, साथ में 25 हिंदुस्तानी सिपाही और आसपास रहने वाले 300 नागरिक भी शहीद हो गए। ग्यारह मई से 16 मई तक दिल्ली में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ने और उनकी हुकूमत उखाड़ फेंकने का अभियान जारी रखा। इस बीच बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल की तरफ से भी पैगाम आ गया था कि वो क्रांतिकारियों के साथ हैं। सोलह मई 1857, भारत की प्राचीन राजधानी दिल्ली कंपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गई। क्रांतिकारी सेना के हिंदू और मुसलमान अफसर लाल किले में बादशाह बहादुर शाह जफर को सलाम करने पहुंचे। सूबेदार हुकुम सिंह ने कहा, जहांपनाह, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने मेरठ को फिरंगियों से आजाद करा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली आकर दिल्ली के हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ मिलकर दिल्ली को आजाद कराया। अब लाल किला अंग्रेजों से पूरी तरह आजाद है। आपको हम सब हिंदुस्तान का बादशाह कबूल करते रहे हैं और आज भी कबूल करने आए हैं। तमाम क्रांतिकारी सैनिकों की तरफ से हम हिंदुस्तान के बादशाह को सलाम करने आए हैं। हम आप सबको इस फतेह पर मुबारकबाद देते हैं। हमें खुशी होती अगर हमारी सेहत मुल्क की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की इजाजत देती। हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, समझ में नहीं आता कि मुल्क की खिदमत कैसे करेंगे। फिर हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हम आप लोगों की तनख्वाहें कहां से देंगे। जहांपनाह, आप बूढ़े हैं तो क्या, आपको अपनी जवान प्रजा पर तो भरोसा है। हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके झंडे का साया चाहिए। बस खजाने की आप फिक्र ना करें, हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने ला लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो हमें तुम्हारा रहनुमा बनना मंजूर है। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। बहादुर शाह जफर जिंदाबाद। बहादुर शाह जफर ने जब क्रांतिकारियों का नेतृत्व संभाल लिया तो उनकी तरफ से सारे देशवासियों के नाम एक ऐलान जारी किया गया। इसकी नकलें सारे भारत के अंदर और तमाम छावनियों में बांटी गईं। ऐलान में बहादुर शाह जफर ने लिखा था, हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों, उठो उठो भाइयों,
खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अता की हैं, उन सब में सबसे ज्यादा कीमती बरकत आजादी है। क्या वो जालिम नाकिस जिसने धोखा देकर ये बरकत हमसे छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रख सकेगा? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकेगा? नहीं नहीं, फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है, यहां तक के अब हमारे पाक मजहब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा अब ये नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि उसने हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में अंग्रेजों को अपने मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। इसलिए हम फिर अपने तमाम हिंदी भाइयों से कहते हैं कि उठो उठो और खुदा के बताए इस पाक फर्ज को पूरा करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ो। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 9वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे SM जहीर, बनवारी तनेजा, मनोज भटनागर, AK शर्मा, सुभाष गुप्ता, कीमती आनंद, आदिल राणा, सतीश पासी, TR मेहता, रईस मिर्ज़ा, शाहनवाज, अंजलि, वीणा मेहता और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।